अगर आपके पास भी एयरटेल की सिम है और आप बात करना चाहते हो एयरटेल के कस्टमर केयर से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एयरटेल के कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हो, कौन सा नंबर आपको डायल करना है, उसके बाद कौन कौन से बटन आपको प्रेस करना है और कितनी देर आपको वेट करना है, कैसे आपको मतलब कि फुल डिटेल से आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको कस्टमर केयर से बात करनी है एयरटेल के कस्टमर केयर से। तो क्या करना होगा, चलिए बना देखिए वीडियो कर लेते शुरू। उससे पहले आप चलो सब्सक्रीन के चैनल को सब्सक्राइब। तो अगर सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको आपके मोबाइल के डायलर को ओपन करना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है 198, यानी 198 पे आपको कॉल कर देना है आपकी एयरटेल की सिम से। जैसे आप एयरटेल की सिम से कॉल कर देते हैं उसके बाद उसको थोड़ी देर बोलने देना है, उसके बाद आपको वन प्रेस कर देना है। जैसे आप वन प्रेस कर देते हैं उसके बाद क्या करना है कि आपको वो जो भी बोले उसको आपको सुनते रहना है लास्ट तक, मतलब कि लास्ट तक आपको सुनना है जो भी बोले। आपको पहले कोई बटन प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आपको बिल्कुल लास्ट तक सुनना है जो भी ये बोलता रहे। जैसे आप लास्ट तक सुन लेते हैं उसके बाद आपको दो प्रेस कर देना है, नहीं दो दबा देना है। जैसे आप दो दबा देते हैं उसके बाद क्या होता है, अगली बार भी आपको लास्ट तक सुनना है। जैसे आप सुन लेते हैं उसके बाद आपको नौ प्रेस कर देना है, यानी नौ दबा देना है। जैसे आप दबा देते हैं उसके बाद आपकी जो कॉल है वो डायरेक्टली एयरटेल के कस्टमर केयर को ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद आपको टाइम बताया जाता है, जैसे कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आपको वेट करना है। वो आपको बता देते हैं उसका जो कस्टमर केयर है वो दूसरी कॉल पर बिजी है, तो आपको 2 मिनट वेट करना है या 3 मिनट वेट करना है, वो अपने हिसाब से आपको बता देते हैं। तो आपको उतनी वेट करना है, कॉल बिल्कुल कट नहीं करना है, आपकी बात कस्टमर केयर से हो जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। अगर आप वीडियो को देखें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।